आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गूगल से कॉपी पेस्ट कैसे करके अपने जो भी है वीडियो कैसे बनाना है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें आपको कोई भी कॉपीराइट या कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे और आपका चैनल जो, जो आपका जो भी चैनल होगा वो मोनिटाइज हो जाएगा तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल में आपको बेलाइकन देगा और उससे क्लेस कर दे जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप गूगल से कुछ भी कॉपी करते हो ज्यादातर या आप फोटो वोटो तो लगाते हो आपको स्ट्राइक या कॉपीराइट देखने को मिलता है लेकिन हम आपको वीडियो की एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए जो आप कंटेंट कॉपी करेंगे उसको उस वीडियो को कैसे बनाना होगा उसके बारे में आपको बताएंगे ठीक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और आप भी चाहते हैं कि हमें कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सबसे पहले आपको जो भी आप कॉपी करोगे उसको रखने के लिए नोट पैड चाहिए होगा वो प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल आप देख लीजिएगा इसका आइकन ये इसको आपको डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहीं पर आपको रख लेना ये चीज आपको डायरेक्ट पीडीएफ बना लेनी है और नॉर्मली वीडियो इसका बना सकते हैं जैसे नॉर्मल जीके का वीडियो बनाना होगा मैथ का वीडियो बनाना होगा इसी से आप नॉर्मल बना सकते हैं किस तरीके से क्या करना है सारी चीजें आपको इसमें बताने वाले तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर लें जिससे मेरा कोई वीडियो आता था, आपके तक पहुंच सके तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको करना क्या होगा कि आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाइए सर्च करना होगा जीके क्वेश्चन हिंदी जैसे आपके जीके के वीडियो बनाना तो है तो कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा और आप क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो आपको जीके क्वेश्चन पे जाना होगा अब जैसे ये क्वेश्चन तो हमने कॉपी कर लिया अब जैसे इस क्वेश्चन को कॉपी करना है इस पे आपको दाब लेना है क्वेश्चन नंबर दो इस तरीके से आपका ये कॉपी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ से कॉपी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार यहाँ से कॉपी हो जाएगा इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है क्वेश्चन नंबर पाँच ये कॉपी हुई है यहाँ से आपको कॉपी कर लेना अब आपको क्या करना है नोट पैड हमने आपको बताया नोट पैड फ्री वाला ये इस तरीके का सिंबल इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अब इसमें थोड़ा आपको समझना होगा देखिए ये हमने एक पीडीएफ क्वेश्चन एक लिख दिया था अभी कॉपी करके इसमें इस स्पेस देंगे और यहाँ इसको हम पेस्ट कर देंगे ये देखिए हमारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिख गए हैं अब क्या करना है इसकी हमें पीडीएफ डी एफ बनानी तो पीडीएफ बनाने की बहुत बढ़िया पीडीएफ बनेगी इसमें ज्यादा नहीं कि ये हो गया इसमें आप लिखना चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं इसको नीचे करके जो भी जैसे मेरे चैनल का नाम है आसिफ अली टैग टैग ठीक है इसको हम बीच में लगाना चाहेंगे तो जब पीडीएफ बनेगी वो बीच में आएगा अभी कैसे पीडीएफ बनेगी वो आपको बताएंगे ठीक है आप क्या करना है तीन डॉट पे दाबना है प्रिंट पे जाना है प्रिंट पे जाने के बाद देखिए इस तरीके से आपकी पीडीएफ बन गई अब आपको साइज इसमें बदलना है ए साइज है इसका पेज साइज बदल सकते हैं ये रात कस्टम करना चाहें तो अपने हिसाब से जितने साइज में करना चाहें वैसे कर सकते हैं इधर से आप और देख लें ये लैंडस्केप में हो जाएगा इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमें वीडियो भी बनाना है तो और हमें आसानी रहेगी नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते पी डी को मोड ले दें उसके बाद प्रिंट साइज यहाँ पेपर साइज कर सकते हैं आप बदल सकते हैं ए फोर साइज है इसमें जैसे ही आप बदलोगे उस तरीके से ये डिनोट होता जाएगा जैसे ए है इसमें ए सिक्स कर देंगे तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन ठीक है ये आपका ए ये आपका कौन सा है आई एस ओ ए सिक्स इसमें ठीक ठाक है और क्वेश्चन भी आपके तीन क्वेश्चन आ रहे हैं और पी डी एफ बढ़िया से खुलेगी और आप बढ़ा सकते हैं नहीं तो आप नॉर्मली अपना जो करना जो है वही रख, रख, रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं तो ए फोर था आपने ए फोर कर दिया उसमें सारे क्वेश्चन आ गए हैं ए फोर या ए फाइव करते हैं अच्छा ए फाइव कर लेते हैं क्वेश्चन ए फाइव में नहीं दिक्कत आती तो ए फोर ही रहते हैं देते हैं को बाद में कर लेंगे अब बात कर लेते हैं इसे सेव कैसे करना है सेव करने के लिए आपको ये दिख रहा है इस पे दाबना होगा सेव टू पी इसमें आपको नाम बदल देना है जीके क्वेश्चन डाल दिया ये आपने कॉपी पेस्ट कर लिया जितने भी क्वेश्चन आप कॉपी करना चाहे कर लिया अब क्या करना है अब देखिए ये पी खुल गई है कस्टम पे जाना है कस्टम में देखो जीके ये डाल रखी और इसको आपको खोल देना है ट्रेप टू पीडीएफ ये देखिए इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और ये देखिए पिक्सल आपके एकदम बढ़िया है अब बात कर लेते हैं इसको इसके वीडियो कैसे बनाना है आप अपना चैनल का नाम लिखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा अब वीडियो कैसे बनाना उस चीज़ के ऊपर बात करनी है इसको अब लैंडस्केप में करते हैं फिर आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको दिखाते हैं अभी तो हाइड है फिर उसको कैसे वीडियो बनाना उसको फिर कैसे एडिट करना सारी अभी चीजें आपको और बताने वाली हैं

इधर में जो ऑप्शन दिए गए आप ऑप्शन इसमें टिक कर सकते हैं या कुछ पढ़ाना है इस तरीके से और इसमें यह भी आइकन बनता जैसे है जैसे ऑप्शन नंबर आपका ए है ऑप्शन नंबर आपका सी है ठीक है इधर से ये रकील क्वेश्चन नंबर जैसे दो करना ऊपर का वो हट जाए क्वेश्चन नंबर दो आ गया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपके चार ऑप्शन दिए गए जो भी आपका ऑप्शन हो जैसे ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है और ना इससे भी तीर से भी बता सकते हैं ऑप्शन आपका ये हो गया कुछ और बताना है तो इसमें वो भी आप पेन से लिखकर बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दो हो गया ठीक है इसको कैसे अभी एडिट करना वो आपको और बताएंगे तो कॉपी पेस्ट वाला पूरे सिस्टम आ गया क्वेश्चन नंबर तीन हो गया सबसे छोटा ग्रह कौन सा चार ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका पेन रहा इससे बताना चाहें तो इससे बताएं नहीं तो इस गोले से बताना ये गोले ज्यादा हो जाएगा नहीं तो सिर्फ आपको इतने में गोला खींचना होगा नहीं तो ये बॉक्स वाला सही है ठीक है ये अभी कोई ऑप्शन नहीं बता रहे बस आपको बता रहे हैं ये चार ऑप्शन और थोड़ा इधर हो तो इधर कर कल आपके चार दिए गए किस महासागर में बनती है तो चार ऑप्शन दिए गए और नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूट क्रूट किसका बना होता है तांबा निकल जो भी हो आपके ऑप्शन और जहाँ से आप कॉपी करेंगे वहीं आपके उत्तर दिखेगा नहीं तो जहाँ अभी हमने जहाँ से कॉपी किया वहाँ आंसर दिखा जैसे ही आप उसे खोलोगे वहाँ आपको उसके आंसर मिल जाएंगे ठीक है नहीं तो आप आंसर को खोल दोगे कॉपी के साथ यहाँ टैप हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ आ जाएगा आप इसको कैसे एडिट करना है चलिए अब चलते हैं पावर पॉइंट में उसको कैसे एडिट करना है उसमें आपको और बता देते हैं यानी क्लियरली पूरा वीडियो हो जाएगा किस तरीके से एडिट करना था सारी चीजें आपको सिम बता देंगे तो चलते हैं पावर पॉइंट में और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर लीजिएगा एंड में आ चुके हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है सोलह अनुपात नौ ले लेना है उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जहां भी आपने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा उसको आपको इसमें इंस्टॉल कर लेना है ये रहा मेरा दो मिनट का वीडियो तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं यूज ओरिजिनल पे दाब देते हैं अब देखिए इसको हमें फिक्स करना है देख रहे हैं ये देखो कहाँ कितना दिख रहा है यहां से आधा दिख रहा नहीं दिख रहा तो इसको फिक्स करने के लिए आपको जूम पेन टू जूम पे क्लिक करना होगा कस्टम पे जाना होगा कस्टम पे जाने के बाद इसको आपको फिक्स करना होगा इस तरीके से ठीक है यहां इस तरीके से ये फिक्स कर देना है इसको भी सेम ऐसे ही फिक्स कर देना है और इसको भी इस तरीके से फिक्स कर देना इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है ये हो गया आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक हो गया क्वेश्चन नंबर दो हो गया इसमें जैसे आप अपना लोगो लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे तो आपको क्या करना होगा ये लेयर पे दावना होगा यहाँ से ये यह ले लेना होगा एडिटिंग वाला जो भी आपके चैनल का नाम हो आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं जैसे मेरे चैनल का नाम है टैग इसमें लिख दिया अब ये देखो अभी दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे यहां लगाएंगे इसके इसका कलर हम जैसे रेड करना चाहें तो रेड कर सकते हैं अब इसका बैकग्राउंड भी बदलना चाहें तो वो भी बदल देंगे यहां से इसको खोल दिया यहां से इसका बैकग्राउंड जैसे वाइट ग्रीन ब्लू जो भी करना हो यहां से इसका हम कर सकते हैं यहां से इसको फुल करना चाहें तो इसको फुल भी कर सकते हैं वैसे हमें फुल का यूज नहीं करना है नॉर्मल यूज करना है इस तरीके से ये देखने में अच्छा लग रहा है तो अब देखिए इसका कलर हम बदल दें क्योंकि ये पीछे येलो तो इसके ऊपर हम ब्लैक लगाएंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे और इसको आपको स्क्रॉल कर देना है ठीक है और ये तुम्हारा वीडियो बनके तैयार हो गया है जब आपको बोलना होगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें तो जैसे आपने यहाँ बोला है लेयर पे जाना है वीडियो पे जाना है जहाँ भी आपके वो ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर रखे हुए हैं वहाँ इस पर दाब देना है दाबने के बाद फिर क्या होना है इस पर पे दाबना पेन पर पे दाबना उसके बाद आपको आ जाए क्रोम की पे क्रोमा की पे दाबोगे और इसे यहाँ से ऐसे कर देंगे तो आपका ये भी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर वाला भी हो जाए तो कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से आप नॉर्मल वीडियो बना सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ठीक है कम समय में ज़्यादा आप क्या करना है इस पर कर देना है अब यहाँ भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा सेव टू एज गैलरी फोर के में आपको इंस्टॉल करना है सेटिंग आपको इसकी समझ लेनी होगी कि आप ध्यान रखिए तीस एफ पी एस होना चाहिए साठ कर दोगे तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाता या तो आपके फ़ोन में सपोर्ट होगा तो कर देगा बेटर क्वालिटी कर लेना है स्टैंडर्ड है साइज स्मॉल साइज है तो हम बेटर किए और बेहतर से बेहतर इस पर दाप देना प्रोसीज पे दाप देना और आपका वीडियो बन ये तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप इसको कहीं भी अपलोड कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से वीडियो बनाइए कभी भी आपको स्ट्राइक या कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा आई होप आप समझे होंगे और इस वीडियो से आपको कुछ भी प्रॉफिट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलेगा और वीडियो इसको आपने ये देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कर लिया उसके लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद